हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सीलेब। तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन हो, DSSB हो, RPSC हो, जितने भी आपके अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो, उसमें ये हेल्पफुल होंगे। और UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने इसमें क्वेश्चन कवर किए हैं, वो स्टार्टिंग से लेकर प्रेजेंट तक कवर किए हैं, और इसमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इन फ्यूचर आने हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो पहुंचता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीलेब, जिसका फुल फॉर्म है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कब इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2012। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि सीलेब है वो किस ईयर आया था। तो आपके पास है ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 2008, ऑप्शन डी है 2012। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए 2002। जो सीलेब है वो कब आया था? 2002 में। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ सीलेब, जो हमारा सीलेब है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी UK, ऑप्शन डी जेनेवा। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो सीलेब का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी UK, ऑप्शन डी जेनेवा। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ सीलेब? तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपके लिए राइट आंसर बताता हूँ। प्लीज़ चूज़ द राइट आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन द राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लंदन, जो सीलेब है इसका हेड क्वार्टर है वो लंदन में। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, इसमें पूछा है सीलेब इज़ अ मर्जर ऑफ, जो सीलेब इज़ अ मर्जर ऑफ। ऑप्शन ए ALA एंड ILA, ऑप्शन बी IIS एंड LA, ऑप्शन सी LA एंड ऑप्शन डी IFLA एंड UNESCO। मैं एक बार हिंदी में इसको रिपीट कर देता हूँ, जो सीलेब है ये किसका मर्जर हुआ था, कौन दो हैं जो मर्ज हुए थे फिर ये सीलेब आया था। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन ALA एंड ILA, ऑप्शन बी IIS एंड LA, ऑप्शन सी LA एंड IFLA, ऑप्शन डी IFLA एंड UNESCO। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी IIS एंड LA। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में IIS एंड LA जो मर्जर है सीलेब के, इनके फुल नेम बताइए और इनका इस्टेब्लिश्ड कब हुए थे ये दोनों, ये बताइए। अगर ठीक है, मेरे को तो पता है, मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको भी चेक करना चाहता हूँ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। तो आई होप कि आप इसका आंसर दे दोगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, फुल डेट ऑफ सीलेब इस्टेब्लिशमेंट, जब हमारा फुल डेट ऑफ सीलेब इस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 2001, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2002, ऑप्शन सी 23 अप्रैल 2002, ऑप्शन डी 17 अप्रैल 2002।
इसमें ये पूछा है, जो रिलीफ है इसका फुल डेट बताइए जब ये स्थापित हुआ था, ये पूछा है इसमें। तो आपके पास ऑप्शन चार है, जिसमें ऑप्शन ए है 6 अक्टूबर 2001, इसमें ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 2002, इसमें ऑप्शन सी है 23 अप्रैल 2002, ऑप्शन डी है 17 अप्रैल 2002। प्लीज सेलेक्ट द राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2002। ठीक है, तो सिलेबस का फुल डेट क्या है, 1 अप्रैल 2002। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सिलेब। ऑप्शन ए शीला कोरेल, ऑप्शन बी अयूब खान, ऑप्शन सी जूडी ब्रोडली प्रेस्टन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एवव। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो सिलेब था जब ये बना था तो उस टाइम इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन ए शीला कोरेल, ऑप्शन बी अयूब खान, ऑप्शन सी जूडी ब्रोडली प्रेस्टन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एवव। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शीला कोरेल, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं सिलेब का। तो शीला कोरेल इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिलेब। देन उसके बाद हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। फैसेट पब्लिकेशन इज अ प्रोग्राम ऑफ। गाइस ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है और पूछा जा चुका है, और ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम उसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन है ALA, ऑप्शन बी LA, ऑप्शन सी IIS, ऑप्शन डी सिलेब। इसमें पूछा है फैसेटेड पब्लिकेशन इज़ अ प्रोग्राम, जो फैसेटेड पब्लिकेशन है ये किसका प्रोग्राम है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप अपना आंसर जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन डी सिलेब, जो फैसेट पब्लिकेशन है ये किसका प्रोग्राम है, सिलेब का। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल पब्लिश्ड बाय, जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है ये जर्नल है, किसके द्वारा पब्लिश्ड होता है। ऑप्शन ए सिलेब, ऑप्शन बी ALA, ऑप्शन सी LA, ऑप्शन डी IIS। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसमें ये पूछा है जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जर्नल है पब्लिश होता है किससे, सिलेब से, तो है ना। तो इसका जो आंसर क्या है वो सिलेब है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जर्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ऑप्शन ए मंथली, ऑप्शन बी क्वार्टरली, ऑप्शन सी एनुअली, ऑप्शन डी बाय मंथली। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसमें इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो जर्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो आपके पास ऑप्शन ए मंथली, ऑप्शन बी क्वार्टरली, ऑप्शन सी एनुअली, ऑप्शन डी बाय मंथली। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आइए बात करते हैं हमें राइट आंसर की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मंथली। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है जो जर्नल है सिलेब का, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, मंथली, याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जर्नल लॉन्च इन द ईयर, जो अभी हमने बात की इंफॉर्मेशन जर्नल, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जर्नल है ये किस साल लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2018।
तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2017, जो इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल जर्नल है वो 2017 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th की, हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ सीलेप। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमेशा यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो यूजीसी नेट होता है उसमें हमेशा लेटेस्ट बातें होती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसे याद रखें। तो इसमें ऑप्शन है जूडी ब्रॉडली प्रेस्टन, ऑप्शन बी है कंचन गुप्ता, ऑप्शन सी जॉन मैकनामेरा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एवर, इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ कि इसमें ये पूछा है कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है सीलेप के, ये पूछा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, जूडी ब्रॉडली प्रेस्टन, ऑप्शन बी है कंचन गुप्ता, ऑप्शन सी है जॉन मैकनामेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जूडी ब्रॉडली प्रेस्टन, ये अभी प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, फैक्ट मैटर इज अ कैंपेन ऑफ, जो फैक्ट मैटर है एक अभियान है किसका है। ऑप्शन ए सीलेप, ऑप्शन बी एएलए, ऑप्शन सी एएलए, ऑप्शन डी इफला। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसमें पूछा है जो फैक्ट मैटर है किसका अभियान है, और आपके पास चार ऑप्शन है। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, एक फैक्ट मैटर है जो कि एक कैंपेन है, एक अभियान है एक किसी संस्था का, और हमारे पास चार ऑप्शन है। आप उनमें से कौन सा है इसका राइट आंसर, तो वो हमें सेलेक्ट करना है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और आपने इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सीलेप, फैक्ट मैटर एक अभियान है, कैंपेन है सीलेप का। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की, विच ऑफ द कैंपेन इज़ नॉट रिलेटेड टू सीलेप। अब इसमें पूछा है इनमें से कौन सा कैंपेन है, अभियान है जो कि सीलेप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए माई लाइब्रेरी बाय राइट, ऑप्शन बी द एनुअल लाइब्रेरीज वीक, ऑप्शन डी लाइब्रेरी वीक, ऑप्शन डी माई रिसोर्सेज। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है इसमें आपके तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखना। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसमें यह पूछा है कि इनमें से कौन सा कैंपेन है, अभियान है जो कि सीलेप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके पास चार है, माई लाइब्रेरी वाई राइट, ऑप्शन बी है द एनुअल लाइब्रेरीज वीक, ऑप्शन सी है लाइब्रेरी वीक, ऑप्शन डी है माई रिसोर्सेज। तो आइए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी माई रिसोर्सेज, जो माई रिसोर्सेज है वो सीलेप का अभियान नहीं है, ये याद रखना। और ये तीन चीज़ तो आप रट लो, माई लाइब्रेरी वाई राइट, द एनुअल लाइब्रेरीज वीक और लाइब्रेरी वीक, ये इसके कैंपियन है सीलेप के। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर आप इसको प्रिपेयर करते हो, ये तीन चीज़ें याद रखते हो, तो आपके तीन क्वेश्चन कहीं से भी अगर घुमा फिरा के पूछें अगर कैंपेन के बारे में, तो आपको याद रहेगा। और एक कैंपेन के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, उसका नाम क्या है, फैक्ट मैटर। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की, विच अवार्ड नॉट गिवन बाय सीलेप, इनमें से कौन सा अवार्ड है जो सीलेप नहीं देता है। ऑप्शन ए एस्पायर अवार्ड, ऑप्शन बी मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑप्शन डी वेल्स लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑप्शन डी पी बी वर्गीस अवार्ड।
हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूँ, इसमें ये पूछा है कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो कि सीलेप से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए एस्पायर अवार्ड, ऑप्शन बी मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑप्शन सी वेल्स लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑप्शन डी पी वी वर्गेसी अवार्ड। इसमें ये चीज़ें पूछी हैं, है ना। तो बात करते हैं हमारे राइट आंसर की, तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पी वी वर्गेसी अवार्ड, पी वी वर्गेसी अवार्ड, है ना, ये है। और ये चीज़ याद रखना, इसमें भी ये पूछ सकते हैं कि एस्पायर अवार्ड किससे रिलेटेड है, मेंटर अवार्ड मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किससे रिलेटेड है, है ना, वेल्स लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन थे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपके एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन कवर किए, इसी टाइप में ये था। इसमें अगर आप तीन याद कर लेते हैं तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एस्पायर अवार्ड मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड वेल्स लाइब्रेरियन अवार्ड, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो अक्सर UGC NET NTA में पूछे जाते हैं, उसमें आपको मैचिंग दे देंगे कि कौन सा अवार्ड किसका है, तो आपको ये देखना होता है। जैसा कि एक कोला अवार्ड आया था, ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड, तो इस प्रकार की उन्होंने मैचिंग करके दी थी, तो हमें मैचिंग करनी थी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। और पी वी वर्गेसी अवार्ड कौन देता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूँगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 14, लाइब्रेरी चेंज लाइफ अवार्ड गिवन बाय, एक अवार्ड है लाइब्रेरी चेंज लाइफ अवार्ड गिवन बाय, किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी RRLF, ऑप्शन सी UNESCO, ऑप्शन डी CLEP। इसमें पूछा है लाइब्रेरी चेंज लाइफ अवार्ड कौन देता है, किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी RRLF, ऑप्शन सी UNESCO, ऑप्शन डी CLEP। तो इसमें चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अपना राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा और आपका सही भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी CLEP, जो लाइब्रेरी चेंज लाइफ अवार्ड है वो कौन देता है, CLEP देता है ना। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, What is the frequency of library and information history group newsletter? Very very IMP question. What is the frequency of library and information history group newsletter? ये history group newsletter है ना, ये कौन published करता है, CLEP, ये भी याद रखना, काफ़ी IMP question है। इस type के question आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप official अगर किसी website को भी search करोगे ना Google पे, तो भी इस type के question नहीं मिलेंगे आपको। ये स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम में इससे बाहर ना जाए। तो व्हाट इसमें पूछा है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन हिस्ट्री ग्रुप न्यूज़लेटर। ऑप्शन ए वंस इन अ ईयर, ऑप्शन बी ट्विज इन अ ईयर, ऑप्शन सी क्वार्टरली, ऑप्शन डी एनुअली। हिंदी मीडियम वालों को मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ, इसमें पूछा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन हिस्ट्री ग्रुप एक न्यूज़लेटर है CLEP का, इसकी अवधि क्या है, है ना। ऑप्शन ए साल में एक बार, ऑप्शन बी है साल में दो बार, ऑप्शन सी त्रैमासिक, ऑप्शन डी एनुअली वार्षिक। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्विज इन अ ईयर, साल में दो बार आता है ना। तो ये चीज़ याद रखना, आई होप कि आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं इसी टाइप के और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक में वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊँ अगर आप चाहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।